2030 में नेटफ्लिक्स रूल करता है इंडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म कंटेंट में, क्योंकि इसे पता है यहाँ की ऑडियंस को सिर्फ हॉलीवुड मूवीज नहीं लेकिन उसे टॉप क्वालिटी का हिंदी डब भी होना चाहिए। अभी का रिव्यू हम करेंगे 2023 में टॉप 10 नेटफ्लिक्स की हिंदी डब मूवीज पार्ट 7। स्पेशल एजेंट नीना के बेटे को किडनैप कर लिया है बेरहम गैंगस्टर ने। अब ये कह के लेने वाला है लेकिन नीना के पास ऐसे स्किल्स है, ये लाशों के ढेर बिछा देगी अगर कोई भी इसके और इसके बेटे के बीच में आए। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव के साथ एक्शन थ्रिलर मदर्स डे। मूवी के एक्शन सीन्स में जिस तरह से स्लो मोशन ऐड किया है वो आपको परम आनंद देगा। मैंने कई एक्शन सीन्स रिपीट पे देखे, भाई शूट कैसे किया होगा इन्होंने। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट में मूवी सब्र का इम्तिहान लेती है। सब इतने धीरे धीरे और मरे हुए की तरह डायलॉग्स बोल रहे लेकिन उन सबके बीच में सिनेमेटोग्राफी एकदम जॉन विक टाइप की। सिर्फ 1 hour 30 minutes की बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ एक्शन फैंस के लिए मस्ट वॉच है। ईवी का कोई परिवार नहीं लेकिन अचानक से उसे इनविटेशन आता है दूर के रिश्तेदारों से। स्टार्ट से ही सब कुछ झोल लग रहा है, जैसे ही ये बड़ा सीक्रेट खुलता है भाई साहब। दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव के साथ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द इनविटेशन। 1 hour 45 minutes की ये हॉरर थ्रिलर स्टार्टिंग में आपको थोड़ी स्लो लग सकती है लेकिन जिस तरह से मूवी ने एस्थेटिक बनाया है, वो डार्क थीम बनाई है, आपको बोर बिल्कुल नहीं होगा। खास करके इसका कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हाफ तो लाजवाब है लेकिन सेकंड हाफ में ऐसा फील होने लगा इससे भी ज्यादा खतरनाक मैं ऑलरेडी कई मूवीज में देख चुका। अगर आप नए हैं इस हॉरर की दुनिया में तो ये आपको बहुत बढ़िया लगेगी। सीरीज में कई सारे जंप स्केयर, सब कुछ एकदम रॉयल और आलीशान। क्या ईवी इस ब्रूटल परिवार से भाग निकलेगी या फिर इसका शिकार बनेगी? बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग, बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन के साथ इसे एक ट्राई जरूर देना। लड़की के साथ रेप हुआ तो वो पुलिस के पास जाएगी लेकिन अगर पुलिस ही पलट के इंसाफ देने के बजाय लड़की पर ही केस ठोक दे कि ये झूठ बोल रही है, अब इस क्राइम को एक्सपोज करती है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई है, बहुत कुछ सीखने मिला है डॉक्यूमेंट्री से। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ विक्टिम और सस्पेक्ट। इतने सेंसिटिव टॉपिक को सीरीज ने बिल्कुल भी शर्म ना रखते हुए ब्रूटली खुल्लम खुल्ला हमारे सामने लाया। कई सारे सीसीटीवी फुटेज, इंटरोगेशन के सीन खुल्लम खुल्ला दिखाया, बस सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता 1 hour 30 minutes के बाद। इसके बारे में ज्यादा बोलना स्पॉइलर रहेगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सीरीज आपको एजुकेट करेगी जब भी कोई लाइफ में क्राइम की वजह से आपका पाला पुलिस से पड़े तो आपको क्या करना चाहिए। इस बार तो नहीं बच पाएगी। अगर अपनी बच्ची को जिंदा रखना है तो उससे दूर होना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के मार दिया जाएगा। रिवेंज के जाल में फंसी है माँ के अपनी बच्ची को बचाने के चक्कर में मारी जाएगी। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ एडवेंचर मिस्ट्री द मदर। 2 hours का लंबा लेंथ बहुत ज्यादा फील होता है जब जब इमोशनल सीन आते हैं और वो बहुत ज्यादा फोर्सफुल लगते हैं लेकिन कई सारे एक्शन सीन्स, खास करके वो स्नाइपर वाला किडनैपिंग का सीन, ऊपर से जेनिफर लोपेज भाई बंदी गिव अप करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हॉलीवुड मूवीज देख चुके हो तो ये मीडियोकर लगेगी आप, लेकिन अगर आपको अलग अलग लोकेशन पे एक्शन और बहुत ज्यादा मिस्ट्री पसंद है, बहुत ही बढ़िया हिंदी डबिंग फैमिली के साथ बिंज वॉच करने के लिए परफेक्ट है। जुरासिक पार्क के बाद हमारा हमेशा काटा गया है डायनासोर्स दिखाकर, लेकिन अब नहीं क्योंकि अगली मूवी ने साईफाई का जबरदस्त तड़का मिक्स किया है पोस्ट एपोकैलिप्टिक सिचुएशन में। एक अनडॉक्यूमेंटेड एस्टेरॉयड मेरे शिप से टकरा गया है। 3 positive और 1 negative के साथ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई 65 million years पास्ट का अर्थ क्रैश लैंडिंग हो चुकी है अर्थ पर, जिस पर खतरनाक एनिमल्स राज करते हैं। अब ये अर्थ जल्द ही खत्म होने वाला है, इसके पहले बच के निकलना पड़ेगा। हर मोमेंट पे ये एक दूसरे को मदद करते हैं और मरते मरते बचते हैं। और इससे भी अच्छी बात, ऐसी साईफाई एक्शन मॉन्स्टर टाइप की मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी के अंदर के क्रिएचर्स गैजेट्स बहुत ही यूनिक है, बस यार एक्शन सीन्स बहुत ही छोटे छोटे SIP या इंस्टॉलमेंट में, आप मजा लेना शुरू करते ही हो कि खत्म हो जाते हैं। नंबर 5 पे भाई मेरा गिल्टी प्लेजर है, माइक को अपने माफिया बॉस के बिगड़े लड़के को बचाना है, एक एक करके दुनिया के सभी टॉप असैसिन्स को मार के। 2 positive और 1 negative के साथ एक्सीडेंटल मैन हिटमैन्स हॉलीडे। मूवी एक्चुअली 2019 का सेकंड पार्ट है एक्सीडेंटल मैन, और ये मूवी सभी एक्शन फैंस के लिए गिल्टी प्लेजर है। मूवी के अंदर दिमाग को यूज ही नहीं करना है, साइड में रख के आपको बस इसके एक्शन सीन्स वो भी स्लो मोशन के अंदर फुल ऑन एंजॉय करना है। हद से ज्यादा ब्रूटल और बेमतलब के कई सारे एक्शन सीन्स है, इसलिए ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देखनी चाहिए जो सवाल नहीं पूछते हैं मूवी देखते वक्त, बस खून खराबा और ब्रूटल एक्शन सीन्स के मजे लेते हैं। इन शॉर्ट मूवी ने अब तक हॉलीवुड के अंदर जितने भी टाइप के एक्शन होते हैं वो सारे घुसा दिए और एक एक्शन की खिचड़ी बना दी जो मुझे देखने में बड़ा मजा है। मूवी में कुछ एडल्ट सीन्स और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, सिर्फ 1 hour 30 minutes, एक्शन फैंस के लिए मस्ट वॉच है। फौज से भागना गद्दारी है जवान। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कुछ नाजीज छुपा हुआ सोना ढूंढ रहे हर जगह और ये सारे इंसान के रूप में हैवान है। एल्सा और हेनरिच मिलके इन्हें रोक पाएंगे? जो भी हो लेकिन आपको ब्रुटैलिटी का परम आनंद मिलेगा। 3 positive और 1 negative के साथ ब्लड एंड गोर। 1 hour 40 minutes की मूवी आपको सीसु मूवी की याद दिलाएगी, डायरेक्शन का स्टाइल क्विंटिन टैरेंटिनो की याद दिलाएगा और सिर्फ कॉपी करने की कोशिश नहीं की लेकिन एक्शन सीन्स के अंदर इनोवेटिव आइडियाज भी बहुत है। बहुत ही सीरियस और खतरनाक सीन के अंदर कॉमिक टाइम, खास करके जब अपने हीरो को फांसी पे लटका देते हैं और मूवमेंट पे लग रहा था कि भाई अभी गया। मूवी में कई ऐसे सीन्स है आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी। बस मूवी सेकंड हाफ के अंदर बहुत ज्यादा खींची हुई लगती है, तब इसका 1 hour 40 minutes फील होता है। मूवी में सिर्फ वायलेंस ही नहीं लेकिन सेक्सुअल वायलेंस
भी है, ब्रुटैलिटी की तो सारी हदें पार करती है मूवी। टॉप 3 मूवीज से पहले एम करते हैं 8000 लाइक्स का इस वीडियो पर नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर आप द लास्ट किंगडम सीरीज के फैन हो, आपको वॉर ड्रामा पसंद है, तो 1 hour 50 minutes के साथ 7 Kings मस्ट आए। इस मूवी को आप कह सकते हो द लास्ट किंगडम का कंक्लूजन। बहुत ज्यादा आपको वाइकिंग्स वेब सीरीज की वाइब मिलेगी। मेरा फेवरेट था सीरीज के अंदर वॉर सीन, कहीं पर भी फेक या फिर ग्रीन स्क्रीन VFX नहीं लग रहा था, वॉर के कई सारे टैक्टिक्स। और मूवी भले 1 hour 50 minutes की है, लेकिन बोर कहीं नहीं होता। बस अगर आप द लास्ट किंगडम सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कुछ जगहों पे बाउंसर जा सकता है, लेकिन वॉर ड्रामा फैंस के लिए परफेक्ट बिंज वॉच है। नंबर 2 पे ओ भाई साहब, अक्सर बेटी किडनैप हो जाती है और माँ को ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। मूवी जिस तरह से बनी है उसके स्टाइल से आपको प्यार हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा एंगेजिंग और हार्ड हिटिंग मिस्ट्री स्टोरी है ये 1 hour 50 minutes लंबी। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मिसिंग, एप्पल के इकोसिस्टम का यूज करके बारीक से बारीक चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया। शुरुआत में आपको लगेगा कि मूवी में इतना दम नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि सिंपल से दिखने वाली स्टोरी के अंदर बहुत ही खतरनाक एंगल है, तब आपका पूरा फोकस इस मूवी पे चला जाता है। एक टीनेजर घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपनी माँ को ढूंढती है, वो जिंदा मिलेगी या उसकी लाश, या फिर उसके माँ के पीछे कुछ और ही राज छिपा है। क्राइम मिस्ट्री के लिए तो मस्ट वॉच है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। नंबर 1 पे भाई ऑर्गेज्म है, एड्रेनलिन किक मिलेगा उन सभी के लिए जो वन टेक शॉट में ब्रूटल एक्शन मूवी नॉनस्टॉप देखना चाहते हैं। आप थक जाओगे, लेकिन जेक टायलर का स्टैमिना थकने को तैयार ही नहीं है। पार्ट 1 में मरते मरते बचा, पार्ट 2 में सबकी मारेगा ये। जेल के बेसमेंट से लेके कार चेस, ट्रेन चेस, हेलीकॉप्टर, भाई ये मूवी ऑलमोस्ट जॉन विक को क्रॉस कर ही चुकी थी, बस इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई स्टोरी से। लेकिन रिक टायलर मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है नेटफ्लिक्स पे। टायलर, 9 महीने पहले तुम मौत के दरवाजे पर थे। क्लास का कैमरा एंगल हर एक एक्शन सीन में आपको सरप्राइज शॉक करके रख देगा। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई एक्सट्रैक्शन पार्ट 2। हॉलीवुड की ऐसी ही ब्रूटल एक्शन मूवीज के लिए राइट वाले वीडियो क्लिक कीजिए और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को। एम करते हैं 11000 लाइक्स का इस वीडियो पर नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।